पनीरी चार तास का फास्टिंग। बाप रे, चार तास का फास्टिंग मुझे लगा चार दिन का। उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद थोड़ा खाने का, चाय तो नहीं पीती, चाय दूध कॉफी से मैं 5 साल अलग हूं, दूर हूं, चाय दूध कॉफी कभी नहीं पीती। और ये ठीक हो गए, चाय कॉफी पीने की थी नहीं, आए यहां आए और ग्रीन जूस पी। बाद में ग्रीन जूस पीते समय ऐसा लगा, एक ग्लास पिया प्रबरा प्रतीक लगा, दूसरा ग्लास ठीक लगा। पहले दिन में एक ग्लास ही मैंने पिया, अगर ज्यादा पिया तो कुछ गड़बड़ हो जाए, और यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आए हैं, अच्छी तरह से जाना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसी के वास्ते दूसरे दिन 2 ग्लास और आज 4 ग्लास ग्रीन जूस, 4 ग्लास जूस पिया, कुछ भी नहीं होया, भाग सकती हूं। और खाना वो तो बहुत बढ़िया, मैंने फोटो लिया खाने का, यह क्या खाना है, ये खाना है। पहले सब मेरे फ्रेंड्स ने कहा, यह खाना है, ये ब्रेकफास्ट है, ये खाना नहीं है। हमें आदत है खाना, यानी रोटी चावल सब्जी दाल, इसी को हम खाना कहते हैं। ये हमारी समझ थी, ये समझ लिया दूर हो गई, और हमें लगा कि हम यहाँ का खाना खाते हैं वही सच्चा अच्छा और अमृत तुल्य आहार है। आहार के बारे में, गुरु जी के बारे में तो कहूंगी तो शब्द पड़ेंगे कम। उनको देखते ही हमारा जीवन वैसा बन जाएगा क्या, ऐसा सवाल हमें खड़ा रहता है। हमें जीवन में भी ऐसा बनना चाहिए, एक बेबी सा एक आदर्श उदाहरण होना चाहिए। दूसरों ने हमारे तरफ देखकर, हम गुरु जी की तरफ देखते हैं, आप ऐसा बनना चाहिए। हमें देखकर आप सभी को लगना चाहिए, हमें भी आप जैसा लगना चाहिए, रहना चाहिए, ऐसा बनना है हमें, हर एक को बनना है। अगर उम्मीद हो, अगर जिद हो, अगर एम हो, तो हम बन सकते। इसके बाद हमारा पेशा शिक्षक ही है, हाथ आप माइक आया तो हमें एक क्लास छोड़ना नहीं, ये आदत है, ऐसा करूंगी नहीं, बहुत दिन हो, बहुत जल्द, बहुत आती लोगों को, बहुत सारे लोगों को बोलना है इसी के वास्ते। बैंक की करके बहुत अच्छा लग रहा है, हर एक दिन मैं बोल सकती हूँ प्रेयर बोलना मेरा धर्म है। पहले मैं शिक्षक थी, अब समाज शिक्षक हो गई हूँ, मेरे 2-3 ग्रुप है और ग्रुप चलाती हूँ, और जायंट्स ग्रुप की अध्यक्षा भी हूँ, और इसी के वास्ते समाज सेवा का काम भी थोड़ा करती हूँ, थोड़ा करती हूँ, बड़ा नहीं हूँ, थोड़ा करती हूँ, आगे चलकर बहुत सारा करूंगी। और मेरे बारे में मुझे लगा यहाँ आए गए सेवक और सेविका, उन्होंने अपना परिचय देना चाहिए, परिचय और इनको अपना मालूम होना चाहिए, क्योंकि आदमी कौन है, क्या करता है, क्या करके आया है, कहां से आया है, ये सबको पता लगेगा, ऐसा मुझे लगा। मैं तो बताती हूं मेरी फैमिली हिस्ट्री, हर एक को क्यों बताना चाहिए, क्योंकि परिचय बढ़ता है। हमें मानवी साखळी जैसे म्हणतो आपण, ती मानवी साखळी बनायची बनवायची आहे आपल्याला, आणि त्यासाठी आपण काय करायचंय, एक दुसऱ्याशी दोस्ती बढावायची आहे। पहिल्या दिवशी तो म्हणी आपल्याला सांगितलं, दोस्ती बढाली मग अनोखे आदमी से बढाव, पहचान वाले आदमी से नाही, पहचान वाले से तो हम हमेशा बोलते हैं, फोन रखना पड़ता इतनी बात होते हैं, पहचान वाले अनोखे आदमी से बोलना चाहिए, इसी के वास्ते वह भी अच्छा लगा। गुरु जी का 3 दिवस का सेशन जो है तो बहुत सुनने वाला नहीं, हमेशा याद रखने वाला है,
टीचर थी 37 इयर्स सर्विस करने के बाद 2 साल पहले रिटायर हो गई हूँ। अभी बच्चा बेटा और बहू पुणे में है, बेटी लेक्चरर है, दामाद वो भी लेक्चरर है, सब अच्छा चल रहा है। और मेरे पति वकील है, आप बताओ आपका दोस्त है, आप बताइए आपके मेरे पति वकील है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। और यह सब अच्छे होने का फायदा समाज के लिए कुछ करना हो तो मैं जरूर करूंगी, कहूंगी, करूंगी। इतना कहकर मैं आपकी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।